खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। कल से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज जापान पहुंचे। पीएम मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से मिले। इस दौरान पीएम के सामने जय श्री राम के नारे भी लगे। उन्होंने कहा कि पीएम टैलेंट और टेक्नोलॉजी से राष्ट्र निर्माण होगा। अपने इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बात का दुख है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। फरीदाबाद में हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव ले जाने से उनके परिवार ने मना कर दिया है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिलने से परिवार नाराज है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कोलकाता में ममता से मुलाकात की। एक महीने में दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 6 जून को हुई थी मुलाकात। ममता बनर्जी की साधाने की अपील को न तो कांग्रेस ने न ही लेफ्ट पार्टियों ने गंभीरता से लिया है। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी से जुड़े 4 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इन 4 खातों में करीब 283 करोड़ 16 लाख रुपए जमा है। ये जानकारी खुद स्विस बैंक की तरफ से दी गई है। अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए www.abpnews.in पर आपका स्वागत है। क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हर खबर के लिए www.wahcricket.com पर आएं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।